जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एक प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं और प्रॉपर्टी को परचेस करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। उसमें मैंने ए टू जेड पूरा डिस्क्राइब किया हुआ था कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो पे मैं बात करूंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी किसी परचेस करते हैं या किसी प्लॉट को परचेस करते हैं तो उसको परचेस करने के इमीडिएट बाद आपको क्या क्या एक्शन करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपके नाम पर आए और आपको किसी भी प्रकार से स्कैम का शिकार ना होना पड़े। तो चले चलते हैं, देख लेते हैं कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने से बाद किस चीज़ को या किस प्रोसेस को अपनाना चाहिए। मैं हूँ चंद्रमान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस प्रॉपर्टी को खरीदने के या प्रॉपर्टी को परचेस करने के इमीडिएट बाद आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली प्रोसेस में नंबर वन आपको म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। दाखिल खारिज यानी कि सेलर का नाम रिकॉर्ड से हटा के उस प्रॉपर्टी के भूमि स्वामी का नाम हटा के और जो कि बायर है, जो खरीदने वाला है, यानी कि आपका नाम उस प्रॉपर्टी के भू रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना। यानी कि मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड से एक प्रॉपर्टी खरीदी तो आपकी रजिस्ट्री होने के बाद आप उसके रियल ओनर नहीं बनते हैं जब तक कि उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन ना हो जाए, यानी कि उस प्रॉपर्टी का जब तक नामांतरण ना हो जाए। तो अगर आपने एक्स वाई जेड से कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और आपने उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं कराया, सिर्फ रजिस्ट्री कराई है, तो राजस्व रिकॉर्ड में ऑनर जो है वो एक्स वाई जेड ही शो होगा, बल्कि आपका नाम शो नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, म्यूटेशन कराना होगा। म्यूटेशन कैसे होगा, आप जब रजिस्ट्री करा लेंगे वहां से जो आपको बैनामा मिलेगा या फिर आप उसे कह लो कि सेल डीड मिलेगी, तो उस डीड के बेस पे आपको अप्लाई करना है अपने तहसील ऑफिस में नामांतरण के लिए या दाखिल खारिज के लिए, जो जिसकी धारा 109 या 110 होती है। उस सेल डीड के बेस पे जब तहसील ऑफिस में आप अप्लाई करते हैं तब जाके आपका नामांतरण किया जाता है और एक्स वाई जेड जिससे भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका नाम उस रिकॉर्ड से हटा के आपका नाम किया जाता है। सबसे पहली प्रोसेस आपको ये करनी है कि आपको अप्लाई करना है दाखिल खारिज के लिए। दूसरी प्रोसेस, दाखिल खारिज के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके दो वेज हैं। सबसे पहला तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। किसी भी एक स्टेट की वेबसाइट की बात करें, इंडिविजुअल, चाहे वो एमपी गवर्नमेंट हो या फिर बिहार गवर्नमेंट हो या फिर यूपी गवर्नमेंट हो या फिर पश्चिम बंगाल, कोई भी स्टेट हो, हर एक स्टेट की एक स्पेसिफिक लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट है और हर एक स्टेट का एक RCMS यानी कि रेवेन्यू केस मैनेजमेंट पोर्टल है, जहाँ से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं म्यूटेशन के लिए। प्रॉपर्टी म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने पर आपको रजिस्टर्ड बैनामा की छाया प्रति लगेगी और इसके बाद स्कैंड कॉपी लगती है और आपको लगेगे जो स्वप्रमाणीकरण होता है बेचने वाले का वो आपको लगता है और बाकी के खसरा नक्शा तो उस प्रॉपर्टी का लगना ही है, तो वो आप स्कैन करके रख लीजिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का वीडियो भी मैंने बनाया है कैसे आप करेंगे दाखिल खारिज के लिए, उसको आप देख सकते हैं। दूसरी प्रोसेस ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन में आप मैटर टाइप करके या फिर तहसीलदार के नाम से मैटर डिजाइन करके तहसील ऑफिस में दे दीजिए बैनामा की छाया प्रति लगा के और आपका म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने के तुरंत बाद आप म्यूटेशन की प्रोसेस क्या होती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूं कि आपको इमीडिएट क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका म्यूटेशन हो जाता है, दाखिल खारिज हो जाता है, तो आपको अपनी वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन चेक करना है कि जिस प्रॉपर्टी को आपने परचेस किया है वहां पर सेलर का नाम हट के आपका नाम आया कि नहीं आया। मान लीजिए म्यूटेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, आपका नाम भी आ गया, जो सेलर था उसका नाम डिलीट हो गया और आपका नाम आ गया, देन आपको सेकेंड पॉइंट में क्या करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी के नक्शा बटांकन के लिए तुरंत आपको एप्लीकेशन कर देना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आपको आपने दाखिल खारिज करवा लिया है तो उसके नक्शा बटांकन के लिए आपको अप्लाई कर देना चाहिए। नक्शा बटांकन अगर आपका हो जाता है तो उस प्लॉट का परमानेंट नंबर या उस प्लॉट की स्पेसिफिक एरिया आपके रिकॉर्ड में आ जाता है कि इस प्रॉपर्टी के आप इंडिविजुअल ऑनर हैं। मान लीजिए अगर किसी एक एकड़ की प्रॉपर्टी को आपने आधा एकड़ खरीदा हुआ है या फिर आपकी 40 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी है या फिर 0.40 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी है, उसमें से आपने 0.20 हेक्टेयर खरीदा, तो आप 0.20 हेक्टेयर के नक्शा बटांकन का तुरंत इमीडिएट नामांतरण होने के बाद एप्लीकेशन करिए, तब जाके आपका उस प्रॉपर्टी में से 0.40 हेक्टेयर में से 0.20 हेक्टेयर का नक्शा आपके नाम पर रिकॉर्ड में अंकित किया जाएगा।
तीसरी प्रोसेस, अगर आपको प्रॉपर्टी में नक्शा बटांकन हो गया है या फिर म्यूटेशन हो गया है तो आप अपनी प्रॉपर्टी का तुरंत ही डिमार्केशन कराएंगे। डिमार्केशन यानी कि सीमांकन, सीमांकन यानी कि आपकी प्रॉपर्टी का जो चतुर्थ सीमा है वो कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक आपको पोजीशन लेना है, जो उसमें आपको पटवारी या आरआई बताता है। एक्चुअली में जो सीमांकन की प्रोसेस है वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा की जाती है, लेकिन बहुत बार पटवारी भी इसे कर देता है, लेकिन जो रिपोर्ट होती है सीमांकन की वो आरआई को ही देनी पड़ती है। तो आप सीमांकन करा लीजिए, सबसे पहले आप रजिस्ट्री कराइए, देन दाखिल खारिज कराइए, देन आप नक्शा पटांकन का एप्लीकेशन कीजिए, देन आप तुरंत ही अपने प्रॉपर्टी का सीमांकन कराइए। सीमांकन कराने के बाद आपको स्पेसिफिक जब पता चल जाए कि आपकी प्रॉपर्टी का एरिया कहां से कहां तक है, उसके चतुर्थ सीमा क्या है, तब आपको लास्ट पॉइंट में उस प्रॉपर्टी पे पजेशन करना चाहिए, यानी कि आपको उस पर कब्जा लेना चाहिए, अपना अधिकार लेना चाहिए और आपको उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। चाहे आप उस पर बाउंड्री वॉल कराइए या फिर आप उस पर मकान निर्माण कराइए या फिर आप उस पर कृषि की अगर भूमि है तो कृषि काम कीजिए, कुछ भी आप कीजिए, लेकिन आप उस पर पूरी तरह से कब्जा ले लीजिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं तो जो रजिस्ट्री की शर्तें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है आप उनको देखिए कि आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री खरीदने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लगता है कि ये प्रॉपर्टी सही है तो आप खरीदिए प्रॉपर्टी। खरीदने के बाद इमीडिएट आप उस प्रॉपर्टी का नामांतरण कराइए, नामांतरण कराने के बाद आप तुरंत नक्शा बटांकन कराइए, नक्शा बटांकन कराने के बाद आप उस प्रॉपर्टी का सीमांकन कराइए, सीमांकन कराने के तुरंत बाद आप उस प्रॉपर्टी पे पजेशन लीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तब जाके आप उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर बनते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया है तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराने के बाद आप उसके रियल ओनर नहीं बनते हैं, प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज होने के बाद पजेशन लेने के बाद आप उसके रियल ओनर बनते हैं। काफ़ी मायनों में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के बैनामा या रजिस्ट्री जो होते हैं उन्हें रद्द किया जाता है, अगर किसी प्रकार की आपत्ति लगती है तो सिविल कोर्ट उसे रद्द कर देता है। तो इसलिए आपको दाखिल खारिज कराना मैंडेटरी है, सबसे पहले दाखिल खारिज कराएं, देन आप उसका दाखिल खारिज होने के बाद नक्शा बटांकन कराएं, देन आप सीमांकन कराएं, देन आप उस पर अपना कब्जा लें, आप उस पर अपना पोजीशन लें। सो गाइस ये थी वीडियो, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के तुरंत बाद क्या प्रोसेस कर सकते हैं और क्या प्रोसेस आपको मैंडेटरी करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।